हेलो सिस्टर, आज हम फिर से बात करेंगे भिखारिस्तान के फटे हुए कपड़ों के बारे में। भारत जब जब कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तब तब पाकिस्तान की हालत पतली होती है। ये नॉर्मल है यार, ये रोज का है इनका। पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग PSL के बारे में, जिनका बजट शायद मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होगा IPL का। और सबसे बड़ी बात, ये लोग डिस्क्लोज भी नहीं करते, और अगर करते भी है तो डेटा इतना इनएक्यूरेट होता है। कहीं पे मिलेगा 7.76 करोड़, कहां पे 1.4 पे आ जाते हैं, फिर 1.4 करोड़ के अंदर भी अगर आप जाओगे फिर वहां पे लिखा होता है 1.8 बिलियन। वाओ, वैसे इनके मैथमेटिकल स्किल्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं। डेटा इनएक्यूरेट होने की वजह से मैंने खुद भी रिसर्च करने की कोशिश की। जब मैंने IPL का बजट चेक किया 2020 का, तो वो निकला 440 करोड़। बट तुमको क्या लगता है, मुझे एक्यूरेट डेटा मिला होगा पाकिस्तान का जिसमें 1.76 करोड़ के बारे में पूरा लिखा होगा? नहीं, 1.76 करोड़ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में डाला हुआ है, और उसके बाद दिखाया हुआ है 1.4 करोड़। ये सही है यार। आज इस वीडियो में मैं शेडी आपको पाकिस्तान मीडिया के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, और उस क्लिप्स पे विद कमेंट्स भिखारिस्तान के भिखारी होने के पीछे की वजह बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उनकी क्रिकेट टीम बहुत आगे जा चुकी, उनकी मार्केटिंग आगे जा चुकी, उनके उनके पास सुलझे हुए लोग मौजूद हैं जो अच्छे फैसले करते हैं। वो अपनी लीग बचाने में कामयाब हो गए। लीग बचाने में कामयाब हो गए? वो एक लीग है, किसी देश का हिस्सा नहीं, जहां तुम्हारी आर्मी इन्वेड करने आ रही है और हम लोग उससे बचा रहे हैं। लीग बचा लिया। टीम बहुत आगे, उनकी क्रिकेट टीम बहुत आगे जा चुकी, उनकी मार्केटिंग आगे जा चुकी, उनके उनके पास सुलझे हुए लोग मौजूद हैं जो अच्छे फैसले करते हैं। वो अपनी लीग बचाने में कामयाब हो गए। अब रह जाएंगे दुबई, ठीक है, अगर मुंबई में, दिल्ली में सूरत हाल कोरोना वायरस की खतरनाक होगी, वो $475 मिलियन मिस नहीं करेंगे। ना जान नहीं छुड़ाई उन्होंने, उनको एक्चुअली पता ही नहीं कि रकम कितनी है। कहीं पता चला रकम का अमाउंट नवाजुद्दीन से पूछा जाए, क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों के मैच पे पूरा भरोसा है। अब लोग सवाल करते जाए, फिर मैं जवाब दूंगा। और सवाल, नो कमेंट। इंसान थोड़ी ना यार, पोकेमोन है। श्रीलंका को आपने पहले से डिसीजन ले लिए थे, अरे भाई आप थोड़े दिन इंतजार तो कर लेते, मेजबानी आपके पास थी, अब 2022 के बाद मिलेगी आपको, उसके बाद जाके आपकी इस पर भी बहुत डिबेट हुई सोशल मीडिया पर भी, लोगों ने तनकीद की कि जब पाकिस्तान आपने क्या किया, उन्होंने किस खूबसूरती से सुलझे हुए लोग मौजूद है जो अच्छे फैसले करते हैं। हाँ, और तुम्हारे पास उलझे हुए लोग मौजूद है, बट तुम लोग मानते ही नहीं। टीम आगे तभी जाती है जब इंसान की सोच उसके आगे जाए। बम बनाने और बम फोड़ने से फुर्सत कहाँ है तुम लोगों को? नहीं है भाई, कैसे जाएगी आगे? नहीं जाएगी। कैसे थे इस पूरे वीडियो ने इसमें बताया नहीं कि कंपनी के ताल्लुकात कैसे थे, फर्जी थी क्या? बम बना के पार्ट्स स्मगल करते थे क्या? करते थे कि साला हर एक बार वही कंपनी इनको स्पॉन्सर करती है? बाकी तुम लोग समझदार हो, समझ जाओ। अकबर भाई एक सेकंड, उन्होंने देखे किस खूबसूरती से खेला, उन्होंने आहिस्ता 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 वर्ल्ड T20 एशिया का फटाके अपनी IPL की विंडो बना ली। ये होती है सेंसिबल अप्रोच। इस बात में तो सौरभ गंगुली एक जब हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात करें, मीडिया भी बकवास। मतलब वो बंदा बोल रहा है, बीच में ही काट के माफी मांगूंगा या फिर कुछ कहना चाहूंगा, नहीं बोलना ही नहीं है ये सब कुछ। भाई वो बकरा तुम भी बक जाओ। इंसान जो सुन रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा साला हो क्या रहा है, किसको सुनूं और क्यों सुनूं। अभी मुआहिदा श्रीलंका से 3 साल का उन्होंने अपने शरायत पे मुआहिदा किया है, और आपको 1 साल का भी मुआहिदा दिया, वो भी कम उसके ऊपर दिया। तो भाई क्या भीख मांग रहे हो किसी से आप? क्या भाई तुम लोग भीख ही तो मांगते हो, तभी तो तुम्हारा नाम मैंने भिखारिस्तान दिया है यार। चड्डी से लेके कपड़ों तक और खंजर से लेके बम तक, इन सभी चीजों के लिए तुम किसी न किसी देश के पास जाके हाथ ही फैलाते हो। कैसे आएंगे अच्छे दिन? COVID-19 के माहौल में खेलने के लिए भेजा है, हम इंग्लैंड के पैसे कवर करा रहे हैं, उनके टेलीविजन राइट्स के इतने करोड़ पाउंड है, वो किसी ना किसी तरीके से हमने कवर कराने। अबे भाई हमें क्या कवर कर रहे हो ये तो बता दो हमें। तो ना हमारे खिलाड़ियों को कोई कवर किया आपने, ना हमें कोई सीरीज दी है। हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया। काशिफ भट्टी के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन लाजमी तौर पे बैकफुट पे चला गया होगा कि ये खबर अगर बाहर निकल गई, मेरे ख्याल सबको कसमें देना शुरू कर दी होंगी ये खबर बाहर नहीं। और तुम लोग क्या प्रॉफिट एंड लॉस बताओगे? तुम लोग खुद ही देख रहे हो यार, भिखारिस्तान में लोग मैच क्या करते हैं। एक बंदा लिबर्टी से डिफेंस जाता है उसको 1 घंटा लगता है, लेकिन वही बंदा जब डिफेंस से लिबर्टी वापस आता है तो उसको 60 मिनट्स क्यों लगते हैं, इसकी वजह क्या है? पता नहीं, पापा को पता होगा, पापा के साथ आते हैं। पता नहीं रक्षा वाले को ज्यादा बेहतर पता, हम तो बैठे होते। मैथ्स के एग्जाम में भी इसने यही लिखा था, जहाँ की युवा पीढ़ी ही ऐसी हो,
वहाँ के मंत्रियों से क्या ही उपेक्षा की जा सकती है। बस यार मेरा तो हो गया, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर मारना और कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या ओपिनियन है IPL और PSL के बारे में। और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो वो लाल वाला बटन और बेल आइकन प्लीज दबा दो और इंस्टाग्राम पेज पे जरूर फॉलो कर लेना ताकि 10,000 फॉलोअर होने के बाद हम लोग लाइव इवेंट परफॉर्म कर पाए जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बाकी मैं शेडी और स्विफ्ट टू आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।